इंदौर शहर को जल्द एक नई सौगात मिलने वाली है। शनिवार को इंदौर AICTSL ऑफिस में हुई बैठक के दौरान नगर निगम के अधिकारी सहित पुलिस कमिश्नर इंदौर महापौर IDA के जयपाल सिंह चावड़ा सहित इंदौर कलेक्टर भी मौजूद थे। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जल्द इंदौर को एक नई सौगात मिलने वाली है। इसके तहत इंदौर के सभी मॉल और इंदौर के सभी प्रमुख बाजार व BRTS लेन पर बने बाजारों को खोला जाएगा, जो कि इंदौर के लिए एक सौगात के रूप में देखा जा रहा है। बैठक में मौजूद सांसद शंकर लालवानी ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया है कि देश के अन्य मेट्रो शहर जिस तरह से 24 घंटे खुले रहते हैं, जिससे नए रोजगार और स्टार्टअप को बढ़ावा मिलता है। पिछले साल मुख्यमंत्री जब इंदौर आए थे, तब सांसद सहित कई अधिकारियों की 24 घंटे खुले रहने के लिए इंदौर में उनसे चर्चा की गई थी। चर्चा के बाद अब अधिकारियों की बैठक में यह निर्णय हो चुका है कि 7 दिनों के अंदर शहर के प्रमुख मॉल, प्रमुख बाजार और BRTS लेन, इनको खुला रखा जा सकता है। बाजार खुले रहने को लेकर जल्द प्रशासन इस पूरे मामले में 7 दिनों के अंदर निर्णय कर सकता है। सांसद का कहना था कि 7 दिनों बाद पहले चरण में शहर के कुछ बाजार को खोला जा सकता है। शंकर लालवानी का कहना था कि पहले चरण में भवरकुआ क्षेत्र में जहां पर अधिकतम हॉस्टल और AB रोड के वह इलाके हैं, जहां पर रात में खोलने से छात्रों व देर रात नौकरी करने वाले व्यक्तियों को इस बाजार के खुले रहने से सुविधा मिलेगी। बैठक में 7 दिनों के भीतर अब निर्णय लेकर अन्य मेट्रो शहर के साथ इंदौर भी 24 घंटे खुलेगा। देखिए, पिछली बार 26 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी जब इंदौर आए थे और एक स्टार्टअप को लेकर हमने बड़ा एक मीटिंग की थी नक्षत्र में, जिसमें सभी हमारे स्टार्टअप के युवा साथी थे, उनके साथ 1-to-1 इंटरेक्शन हुआ था। और उस मीटिंग में मैंने ये डिमांड करी थी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि चूंकि मैं जब दूसरे शहरों बेंगलोर हो, नोएडा हो, वहाँ जाता हूँ, तो बात आती है कि यहाँ पर और किस प्रकार IT को बढ़ावा मिले, स्टार्टअप को बढ़ावा मिले। तो उनका ऐसा मानना था कि इंदौर 24 आवर चलना चाहिए, और इसी को लेकर वो डिमांड मैंने उस समय रखी थी। और उससे माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम 24 घंटे इंदौर चालू रखने की बात करेंगे, और उन्होंने कुछ आदेश भी निकाले थे, लेकिन चूंकि अभी आचार संहिता थी उसके बाद हम बैठ नहीं पाए थे। आज इसमें हमने प्रारंभिक चर्चा की है कि किस प्रकार कौन कौन से एरिए चालू होना चाहिए। तो बेसिकली जो प्रारंभिक चर्चा हुई है उसमें जो हमारा AB रोड है, जो BRTS हम कह सकते हैं, वो AB रोड के पूरा रोड, उसके दोनों तरफ के जो एक्टिविटी है वो 24 घंटे रात नाइट में भी चालू रहेगी, और उसका डिटेल जो ऑर्डर है वो प्रशासन लागू करेगा। देखिए, इसमें फेसेस में होगा, चूंकि ये पहली बार हो रहा है तो फेसेस में करेंगे, और डिमांड आई तो राजवाड़ा सराफा उस पर भी विचार हुआ, उसको भी करेंगे। लेकिन अभी जो प्रारंभिक आई कि जो हमारे भवरकुआ क्षेत्र में हमारे छात्र पढ़ते हैं, चाहे IT सेक्शन में काम करते हैं, तो ये पूरा जो क्षेत्र है विजयनगर से लेके राजीव गांधी चौराहे तक, ये पूरा BRTS भी चालू रहेगा। उसमें जो जो एक्टिविटी चालू रहेगी और क्या क्या होगा वो डिटेलिंग प्रशासन अभी आपको बताएगा। जल्दी करेंगे, आज प्रारंभिक चर्चा हो गई है और जल्दी ही प्रशासन उसमें आगे कार्रवाई करेगा। जो प्राइमरी चीजें हैं जो आवश्यक है वो सब उसमें रहेगी। नहीं, आइडेंटिटी करा है, और उसके स्टेक होल्डर की भी हम मीटिंग बुलाने वाले हैं ताकि उनसे बातचीत हो सके। बहुत सारे पॉइंट है, सिक्योरिटी को लेकर है, बाकी चीजें हैं, उनसे हम स्टेक होल्डर से बात करेंगे। और बात कर, पिछले लंबे समय से इस बात पे विचार चल रहा था कि 24 घंटे इंदौर खुले, व्यापार की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से, और इंदौर के IT सेक्टर को विशेष रूप से प्रमोट करने की दृष्टि से। तो आज की बैठक में प्रथम दृष्टया इस बात पे विचार हुआ है कि BRTS लेन पे आने वाले जितने व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं, इनको खोला जाए, इनके माध्यम से रोज़गार और बाहर से आने वाली कंपनीज को, कि इंदौर रात में भी चालू है, उसको बढ़ावा देने के लिए प्रथम दृष्टया BRTS। बाद में जैसा माननीय सांसद जी ने भी आपको बताया कि इंदौर के अन्य व्यावसायिक क्षेत्र या ऐसे क्षेत्र जहाँ पर नाइट में बाज़ार खोलने से इंदौर को और विशेषकर यहाँ के व्यवसायियों को लाभ मिलेगा, तो ऐसा फेज वाइज काम करेंगे। उसमें केवल IT इंडस्ट्री नहीं, ऐसे सारे जैसे मॉल हैं और भी ऐसे प्रतिष्ठान जो रात को प्रोडक्टिव हो सकते हैं, जैसे हाट बाज़ार लग सकता है रात को, खाने के अच्छे स्टॉल लग सकते हैं, राजबाड़ा सराफा चालू है ही रात को, तो इस पर बहुत
बारीकी से अभी विचार हुआ है, तो डिटेल्ड ऑर्डर इसमें इस बात पे भी बहुत गंभीरता से विचार किया है कि किनको चालू नहीं रखना है। तो जितने भी लिकर प्रोडक्ट्स को देने वाले हैं, बार्स हैं, हॉस्टल हैं, होटल्स हैं, वो निगेटिव लिस्ट में है। तो ऐसी एक निगेटिव लिस्ट भी बनाएंगे कि कौन से चालू नहीं रहेंगे। रात को ध्वनि प्रदूषण ना हो, इसको लेकर विशेष प्रयास हो, सुरक्षा की दृष्टि से भी बात हुई है। तो एक डिटेल्ड डिस्कशन और इसका ऑर्डर प्रशासन जारी करेगा। नगर निगम का इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल रहेगा, चाहे वो सफाई की दृष्टि से हो, ट्रैफिक मैनेजमेंट की दृष्टि से हो, इस तरह के हाट बाज़ार को और उद्योगों को, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, स्मॉल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रमोट करने की बात हो, तो ये इंदौर में नगर निगम की भूमिका तो महत्वपूर्ण रहने ही वाली है। निश्चित तौर पे BRTS को प्रथम दृष्टिया लेने का यही था कि हम रात को स्पेशल बसेस चलाएंगे अगर ये होता है तो। वो एक प्रपोजल में है ताकि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं इंदौर के और आसपास के जो प्रोडक्ट्स हैं वो रात की बात की जा रही है। क्या तय हुआ है? हम जानते हैं कि जितने भी तेजी से उभरते हुए शहर, उसमें सबसे तेजी से उभरते हुए शहरों में इंदौर का नाम है, और बहुत सारी ऐसी कंपनियां, बहुत सारे ऐसे मुख्य तौर पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई कंपनियां यहां पर आना चाहती हैं। ऐसे में आवश्यक है कि शहर को 24 घंटे खोल के और उसमें जो भी आने वाली चुनौतियां हैं उन पर चर्चा की जाए। उस बारे में आज ये बैठक आयोजित हुई थी जिसमें शहर के सभी जनप्रतिनिधि, सांसद महोदय, मेयर महोदय, यहाँ पे कलेक्टर, नगर निगम कमिश्नर और बाकी सारी टीम यहाँ पर मौजूद रही। खास तौर पर इसमें शहर के कुछ इलाकों को चिन्हित किया गया है जिसमें AB रोड के आसपास में उसे अंतिम रूप आने वाले दिनों में अंतिम रूप दिया जाएगा, और इसमें खास तौर पर उन चीज़ों पर विचार किया गया कि खोलने से क्या परिस्थितियाँ पैदा होती हैं, पुलिस के सामने भी कौन सी चुनौतियाँ रहेंगी, क्योंकि ये खोलने के बाद आवश्यक है कि पूरी प्रक्रिया निरापद, सुरक्षित और बेहतर माहौल में हो। पुलिस भी इसके लिए तैयार है और जो भी आवश्यक तैयारियाँ होंगी, आवश्यक बंदोबस्त होंगे, जो आवश्यक ट्रैफिक से जुड़े जो मुद्दे होंगे, सुरक्षा से जुड़े जो मुद्दे होंगे, उन मुद्दों के लिए पुलिस भी अपने आप को तैयार करेगी। बहरहाल इसे आने वाले दिनों में अंतिम रूप करके शीघ्र ही इसके बारे में विस्तार से घोषणा की जाएगी। थैंक यू।